बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप जुड़ चुके हैं ग्रोइंग कश्मीर के साथ। मैं आफाक बशीर आपकी खिदमत में फिर एक बार हाजिर। नाज़रीन, आपको बताता चलें, शुपियन से जो खबरें आ रही है, दो मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है, ऑपरेशन जारी है। इसी इंफॉर्मेशन के साथ हम जुड़ चुके हैं हमारे नुमाइंदे के साथ उमर मलिक, जो अभी ग्राउंड जीरो से हमें इंफॉर्मेशन देंगे एनकाउंटर के अपडेट के साथ। अस्सलामुअलैकुम उमर। वालेकुम सलाम सर। उमर, क्या अपडेट है एनकाउंटर का? जी सर, जैसे मैं आपको बताता चलूं, कल रात देर रात यहाँ पे जो है सिक्योरिटी फोर्स के जानिब से यहाँ पे मानिहल भटपुरा इमाम साहब में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सर्च अभियान के दौरान उन्हें जो भी आने जाने के रास्ते थे उनको क्लोज कर दिया गया। तो उसके बाद यहाँ पे जो है डोर टू डोर जो तलाशी है वो सिक्योरिटी फोर्स ने की, लेकिन जैसे ही रात के 2 बजे लगभग यहाँ पे जो है कुछ शॉट सुनने को मिले, तो उसके बाद सुबह जैसे पहले किरण के साथ ही सिक्योरिटी फोर्स ने वहां पे फिर से सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया। तो फिर फायरिंग का तबादला दोनों तरफ से चलता रहा। इस फायरिंग के दौरान जो है 2 मिलिटेंट की जो लाशें वहां पे जो बरामद की गई सर। तो उसके बाद यहां पे जो अभी भी जो ऐसे सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से ये कंफर्मेशन मिली है कि और तो जो मिलिटेंट है वो अंदर छुपे हैं। तो जी उन अभी तक जो फायरिंग सर वो चल रही है सर। अच्छा, इंटरनेट का क्या अपडेट है? जी सर, इंटरनेट तकरीबन रात के 12 बजे यहाँ पे जो है उसको बंद किया गया। तो क्योंकि जो इंटरनेट इसलिए बंद किया गया यहाँ पे ताकि यहाँ पे जो है लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम की जो होती है वो ना हो जाए, इसलिए यहाँ पे इंटरनेट पहले यहाँ पे जो है बंद किया गया इसको ये फोर्स की तरफ से। नाज़रीन, आप सुन रहे थे हमारे नुमाइंदे उमर मलिक से। ऑफिशियल कंफर्मेशन के हिसाब से अभी दो मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है, ऑपरेशन अभी जारी है। उमर, आप बने रहिए हमारे साथ, अपने आप को हिफाजत के साथ रखते हुए आप बने रहिए, हम आपसे फिर मिलेंगे एक बार। अस्सलाम वालेकुम। वाह।